रुपया लगातार गिर रहा है, रुपया लगातार गिर रहा है। रुपए में आज ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। आज पहली बार एक डॉलर की कीमत 80 रुपए के पार चली गई। अब एक डॉलर 80 रुपए 2 पैसे का हो गया। आशंका है कि ये अभी और गिरेगा और 2022 की तीसरी तिमाही में एक डॉलर 82 रुपए का हो जाएगा। लगातार डॉलर की कीमतें बढ़ने और रुपए की कीमत घटने का असर ये हो रहा है कि भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। जून में भारत का आयात कितना था, यानी इम्पोर्ट 51% बढ़कर वो 5,03,000 करोड़ रुपए हो गया था, जबकि निर्यात 16.78% बढ़कर 3,00,000 करोड़ रुपए पहुंच गया था। यानी देश का व्यापार घाटा रिकॉर्ड 2,03,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। क्योंकि सिर्फ एक साल पहले यानी जून 2021 में ये व्यापार घाटा सिर्फ 76,000 करोड़ रुपए का था। अब ये समझिए कि इससे हो क्या रहा है। इसका जो सीधा असर है वो देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है, जो लगातार कम होता चला जा रहा है। सितंबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 51,00,000 करोड़ रुपए का था, ये घटकर अब 46,60,000 करोड़ रुपए हो गया है, घट गया है। 9 महीने में करीब 4,40,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार हिंदुस्तान का कम हो गया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ये भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि ये स्थिति आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि लगातार बेरोजगारी की दर भी बढ़ती चली जा रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है। आंकड़े ऐसा कह रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक पिछले महीने यानी जून में देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.8% हो गई। जून में ही 1,30,00,000 लोगों की नौकरी चली गई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये भगवान क्या जुलुम है, आप बताइए मैं क्या करूँगा। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। म्यूजिक